मैं देख लूंगी ऐसे ऐसे। रोल पापा, सुहानी अब क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? अब क्या चल रहा है मतलब? हर बार की तरह सीन क्या है वैसे? ड्रामा ड्रामा से ड्रामा, आज एक और नया ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? मैं शूट करके भूल गई। सॉरी, याद करने दो। क्या शूट किया आज मैंने? अरे यार ब्लैंक हो गई यार। स्टोरी चलाएंगे हम, डोंट वरी, कम डाउन मत। ये रोल रखना, रोल रखना। क्या हो गया? क्या सुनिए, ये शायद आपका दारू पी के आया। हां, याद है, याद है, याद है। दोस्तों का प्यारी है कि शायद आपको यादें नहीं आ रही। इतना ज्यादा प्यार मिल गया, इतना ज्यादा खुश हूँ कि सब भूल रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ, जिस दिन से वो अवार्ड फंक्शन की, उसके बाद दो की शिफ्ट लग रही है, तो दो तीन दिनों से मैं ठीक से सो ही नहीं हूँ, उसका असर है। प्लीज आए, ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची सही में सो नहीं पाई हूँ तीन तीन चार चार घंटे। आज सीन के बारे में पूछे थे, वो बताती हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि सौरभ भैया मीटिंग के लिए गए थे और मैं वेट कर रही थी कि कब वो मीटिंग खत्म करके आएंगे, कब सारी चीजें होंगी। पता चला कि वो तो टल्ली होके आ गए रानी भाभी के साथ दिन में, तो बड़ा अजीब हुआ। तो बस वही मैं और दादी, दादी बड़ी खुश हैं इस बात पे, पोते दारू पी रहे हैं और बड़ी खुश हैं। तो दादी की पूरी कोशिश है कि उनके पोते काम ना करें और मैं चाह रही हूँ कि नहीं वो लोग काम करें। तो आज यही सीन शूट कर रहे हैं। कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, पर मुझे शक है कि सौरभ भैया ऐसा नहीं करेंगे, पक्का रागनी भाभी ने उन्हें कुछ किया होगा। पर कहीं ना कहीं ये भी सही है कि सौरभ भैया इतने जिम्मेदार तो हैं कि उन्हें अपनी, उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे वो किसी के कहने पे नहीं आ सकते। तो ये सीन शूट किया मैंने। सुहानी ने कोई क्रीम बनाई थी? हाँ बनाई तो है, लेकिन अभी शूट नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। दादी के जो इंजेक्शन होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, 2000 का एक होता है, और वैसे भी हमारे घर का बजट थोड़ा सा डगमगा गया है। तो इसके लिए मैंने दादी के लिए वो क्रीम कुछ कहीं से तो बनाई है, जुगाड़ करके, जुगाड़ू हूँ ना मैं तो। इसलिए घर के पैसे बचाने के लिए। अब आगे क्या प्लान किया है सुहानी ने, कैसे सबको काम पे लाने लगाने वाली है? सच्ची मुझे नहीं पता, आगे के सीन आए नहीं अब तक। अरे हाँ, वो भी शूट है, कल छूट गया था, याद है मुझे, सब याद है। प्लीज हाँ, युवराज का बर्थडे है, पर अफसोस कि बिरला लोगों, बिरला के पास पैसे नहीं बचे हैं, बिरलास के पास। तो मैंने जो दिवाली के कुछ दिए बचे थे गार्डन से, ये फूल वूल लेके सब हम लोगों ने अच्छे से पार्टी की है। तो एक गेम खेल रहे हैं कुछ, तो उस पर फिर कुछ ऐसा होगा कि मुझे और युवराज को डांस करना पड़ेगा। बहुत टेंशन होने वाली है, क्योंकि दोनों को ही कुछ नहीं आता, कोई सिखाने वाला भी नहीं है। अच्छा तो परफॉर्म किया था अपने डांस वांस? क्या बात कर रहे हैं, आपने देखा था? हम साथ में थे रिहर्सल से। रिहर्सल देखी ना, परफॉर्मेंस नहीं देखा। जब वो देखिएगा तब बताइएगा कैसा किया, मतलब किस तरह से, किस गाने पर कुछ पता नहीं, जो भी म्यूजिक दे देंगे उस पर हमें करना होगा। दे देंगे तो अच्छा, टाइम नहीं होगा तो वो भी नहीं देंगे। हाँ हाँ, हमने उसको सरप्राइज दिया है कल सबने मिलके, आधा शूट कर लिया, बाकी आज करेंगे। थैंक यू।